9 सीटों के उपचुनाव ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। एनडीए और पीडीए की लड़ाई में रोज नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार यूपी में एनडीए क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन अखिलेश की माने तो पीडीए की एकजुटता के आगे एनडीए की सांस फूल रही है। लखनऊ की सत्ता के लिए बीजेपी के अंदर खाने जबरदस्त खींचतान चल रही है। दिल्ली और लखनऊ की इसी लड़ाई में बीजेपी के नेता एक दूसरे के लिए सुरंग खोद रहे हैं और 27 में सत्ता के सियासन तक सिर्फ साइकिल ही पहुंच पाएगी, बीजेपी आपसी लड़ाई में बिखर जाएगी। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो यह है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की। सत्ता ने पूरा जोर लगाया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाया, लेकिन जब बीजेपी के सहयोगियों ने ही उस पर एतराज जता दिया तो सियासी तरकश से फिर सालों पुराना नारा निकाला गया। अयोध्या में भले कमल नहीं खिल पाया, लेकिन बीजेपी घूम फिर कर फिर भगवान राम का नाम जपने लगी। लेकिन समाजवादी पार्टी टस से मस नहीं हुई, अपने एजेंडे पर डटी रही, सत्ता के सामने सीधा सवाल उछाला, यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं, सरकारी नौकरियों में पीडीए परिवार के लोगों की हिस्सेदारी 15% से भी कम क्यों है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने देवी देवताओं का जिक्र नहीं छोड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रयागराज का जिक्र कर सत्ता की दुखती रख छोड़ी। विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहाँ के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने काम किया है। पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा न लग जाए। पीडीए की एकजुटता से परेशान सत्ताधारी खेमे ने समाजवादी पार्टी को गुंडों का संरक्षक बताया, लेकिन अखिलेश यादव ने डीएपी खाद की किल्लत की दुहाई दी। दलील ये कि डीएपी की कालाबाजारी करने वालों का संरक्षक कौन है, सूबे के मुखिया